हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास सिंह, आपके यूट्यूब चैनल विकास सिंह में आपका स्वागत है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस आप लोगों को जो भी पढ़ाएंगे, इसमें जो कुछ भी दिक्कत हो, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम इसको अच्छी तरीके से और अच्छे से अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज हम टॉपिक है मोहम्मद साहब जो कि मुसलमान धर्म के अल्लाह के पैगंबर माने जाते हैं। आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जैसा कि उनका जन्म कब हुआ, कि मृत्यु कब हुई, माता कौन थे, पिता कौन थे, क्या कैसा हुआ उनके जीवन के बारे में आज सभी बातें हम करेंगे। देखिए, जैसे उनका जन्म 570 ईस्वी को मक्का नामक शहर में हुआ था। 570 ईस्वी को मक्का नामक शहर में हुआ था तथा इनको 622 ईस्वी में ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिसके कारण इनका वहाँ मक्का में इनका विरोध हुआ, जिसके कारण इन्हें 622 ईस्वी को मदीना जाना पड़ा। इनका वहाँ मदीना जाना हिजरत कहलाता है। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। ये बात ध्यान रखना, हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ, तो 622 ईस्वी से हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। तथा मोहम्मद साहब ने बताया कि पहले मोहम्मद साहब के बारे में बातें करते हैं। देखिए, मोहम्मद साहब की माता कौन थी, पिता कौन थे। मोहम्मद साहब की माता का नाम अमीना था, क्या था, अमीना था। तथा पिता का नाम अब्दुल्लाह था। ठीक है, अब्दुल्लाह था। इनके जन्म के 2 माह बाद ही इनके पिता का निधन हो गया था। 6 वर्ष की अवस्था में इनकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। तथा इनकी माता के देहांत के बाद इनका पालन पोषण जो किया था, इनके एक दादा थे अब्दुल मुतालिब। इनके दादा थे, उन्होंने इनका पालन पोषण किया, जिसके बाद कुछ दिनों बाद उनके दादा का भी देहांत हो गया। इसके बाद में उनका पालन पोषण उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। कौन थे? अबू तालिब ने उनका पालन पोषण किया। इसके बाद में वह मक्का के पहाड़ियों की एक गुफा में घिरा एक गुफा थी, वहीं से इस्लाम धर्म की शुरुआत इन्होंने की थी। उन्होंने बताया, इस्लाम का अर्थ होता है शांति में प्रवेश करना। इनके चचेरे भाई का नाम हजरत अली था। तथा इनके चचेरे भाई का नाम हजरत अली था। और मोहम्मद साहब ने उनको ईश्वर का पैगंबर कहा जाता है। मोहम्मद साहब के 3 बुनियादी सिद्धांत थे, समता समानता बंधुत्व। तथा मोहम्मद साहब की 5 शिक्षाएं थीं, कलमा। मोहम्मद साहब ने जो प्रत्येक मुसलमान अगर इनका पालन, इन 5 शिक्षाओं का पालन नहीं करता है, तो असली मुसलमान नहीं है। मोहम्मद साहब ये कहकर गए थे कि जो 5 शिक्षाएं जो हम बता रहे हैं, जो इनका पालन नहीं किया, वह असली मुसलमान है ही नहीं। उनका ये मानना था कि जो मुसलमान है तो वो 5 शिक्षाओं का पालन करेगा। तो जिनमें थी, पहली थी कलमा, दूसरी थी नमाज, तीसरी थी जकात, रमजान, हज। ये 5 शिक्षाएं थीं। देखिए, पहली थी कलमा।
मोहम्मद साहब एक हैं, कलमा अल्लाह एक है, मोहम्मद साहब उसके पैगंबर हैं। दूसरी शिक्षा थी नमाज, प्रतिदिन दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए मुसलमानों को, ये वो कहकर गए थे। जकात, अपनी उपार्जित में लगभग 2.5% गरीबों को दान देना चाहिए। रमज़ान, रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा व्रत रखना चाहिए। हज, अपने पूरे जीवन यात्रा में एक बार मक्का तीर्थ यात्रा पर अवश्य जाना चाहिए। ये मोहम्मद साहब का कहना था। इसके बाद में जैसे जैसे उन्होंने ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, लोग उनका विरोध करने लगे, लेकिन वो अपने काम पर लगे रहे तथा निरंतर बने रहे तथा उनको वो कह कर गए थे, जो सच्चा ही है वही अच्छा मुसलमान है, जो सच्चा है वही अच्छा मुसलमान है, और जो सच्चा है चाहे वो जो हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे जो सच्चा है वही असली मुसलमान है, जो सच्चा है वही असली मुसलमान है। और जो ये 5 शिक्षाओं मोहम्मद साहब के द्वारा दी गई 5 शिक्षाएं नहीं जानता, इनका पालन नहीं करता, तो वह असलियत में मुसलमान नहीं है। तथा दोस्तों, आज से मोहम्मद साहब के जीवन परिचय का समापन। इसमें जो कुछ भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट में उसे बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा कमेंट अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।